असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड जी आई नो। और आज नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और आज हम बना रहे हैं मेहंदी के फंक्शन का मनपसंद मीठा यानी गर्मा गर्म गुलाब जामुन। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, सबसे पहले हमने इसके अंदर खुश्क दूध लेना है। आपने खुश्क दूध जो है वो इसके अंदर 1 कप खुश्क दूध लेना है। 1/2 कप इसके अंदर आपने मैदा लेना है। 1/2 टी स्पून आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर लेना है। और 3 से 4 मोटी कुटी हुई आपने जो सब्ज़ इलायची हैं, कार्डेमन जो है वो आपने लेनी है। और 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर देसी घी इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो बनास्पति और लीस्ट ऑप्शन है आपके पास ऑयल की। उसके बाद सबसे पहले और इसके अंदर 1/4 कप आपने ऑयल लेना है। इसके अंदर सबसे पहले आपने ऑयल दूध डाले बगैर इसको अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। जब ये इकट्ठा होने लगता है यानी कि ये इसमें बाइंडिंग शुरू हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो दूध शामिल करना है 1/4। और फिर उसके बाद आपने इसे जिस कोई भी कवर करके, किसी भी चीज़ से आप इसे कवर करके फ्रिज में आपने इसे 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसे रख देना है। उसके बाद आपने देखें इस तरीके से, जैसे जब ये इकट्ठा करें, जब आप इसे मुट्ठी में लें तो इकट्ठा होना शुरू हो जाए। उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, बनास्पति घी, कोशिश करें देसी घी डालें। अगर देसी घी नहीं है तो बनास्पति, और अगर बनास्पति नहीं है तो ऑयल आपके पास लास्ट है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो 1/4 कप जो है वो आपने इसमें दूध ऐड करना है। और आपने इसके बाद इसको बना के, इसकी डो बनाकर आपने इसे रख लेना है। उसके बाद आपने 10 मिनट के बाद, उसके दौरान के अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शीरे की जो है वो तैयारी करेंगे। इसका जो शीरा है उसके अंदर हम लोगों ने 3 से 4 कप पानी और 1 कप जो चीनी है वो लेकर हमने इसका शीरा जो है वो अच्छे तरीके से बना लेना है। ये देखिए जी, अब आपकी डो जो है वो ऑलमोस्ट डन है। इसके अंदर हम लोग जो हैं वो अब ऑयल डालेंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो आप एंड में भी डाल सकते हैं और ऑयल जो है वो आप शुरू में डाल देंगे, तो शुरू में बेशक डाल दें, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि जिस टाइम के ऊपर आपने इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाने, मैंने एंड में मिलाया था, लेकिन आप जो है वो इसको शुरू के अंदर ही जो है वो आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो हम लोग इसके अंदर जो है वो शीरे की तैयारी करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो शीरा बनता है गुलाब जामुन के लिए, जो शीरा बनेगा उसके अंदर 1 तार या 2 तार नहीं रखनी है आपने। 1 तार का को देखिए, मतलब बनने से पहले ही आपने जो है वो सारे का सारा जो शीरा है उसे आपने जो है वो चूल्हे पर हल्की सी आग के ऊपर रखकर आपने इसे पकाना है। और फिर उसके बाद तार बनने से पहले ही जो होता है वो इसका शीरा तैयार हो जाएगा। गुलाब जामुनों के शीरे के अंदर 1 तार या 2 तार वाला हिसाब किताब नहीं आपने रखना। अच्छा, इसके अंदर जो आपने जब इसकी बॉल्स बनानी है तो आपने इसकी बॉल्स बहुत ज़्यादा ध्यान से बनानी है, उसमें किसी भी तरह का क्रैक जो है वो बॉल्स के अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, मैंने 3 कप पानी लिया, उसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो चीनी लिया और 5 से 6 जो है वो हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची डालकर जो है वो हम लोग इसका शीरा बना लेंगे। लीजिए जी, ठीक है। अब ये आहिस्ता आग पर पकता रहेगा। और दूसरी तरफ जो है वो हम लोग ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख देंगे। और इसके अंदर जो हम ऑयल यूज़ करेंगे, इसके अंदर आपने गुलाब जामुन को जो है वो डीप फ्राई जो है वो आपने करना है। ठीक है जी, ये अब आपका शीरा जो है वो ऑलमोस्ट डन है। चीनी जो है वो पानी के अंदर ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो चुकी हुई है। अब इसे 3 से 4 बॉयल आएंगे, या थोड़ा सा गाढ़ा होगा। और इसकी तार बनने से पहले जो है वो हम लोग इसे चूल्हे से उतार लेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारा आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। अच्छा जी, उसके बाद डो जो है वो हमने उसको एक दफ़ा दोबारा सारी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करके डो, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो देसी घी जो है वो बाद में डाला था तो वो देसी घी जो है मिक्स नहीं हुआ था, तो इसलिए वो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए साइड के ऊपर रखा था। अब इसको हम लोग जो है वो फॉइल लगा के जो है वो हम 10 मिनट के लिए हमने इसे फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर आपने 10 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा देर के लिए आपने इसे नहीं रखना। और उतनी देर के अंदर हम लोग जो है वो अपना शीरा जो है वो बाकी का तैयार कर लेंगे और ऑयल जो है वो हम लोगों ने गर्म कर लेना है। अच्छा जी, जब 10 मिनट गुजर जाएँ उसके बाद अब आपने इसकी बॉल्स बनानी है, और बॉल्स बनाने के लिए आपने तीसरा मैं अब आपको हाथ पे दिखाऊंगी कि आपने सबसे पहले इसकी बॉल बनानी है, उसके बाद आपने इसे अपने दोनों हाथों के बीच में आपने इसे प्रेस करना है, ठीक है। दोनों हाथों के बीच में प्रेस करने के बाद हाथ की जो हथेली है उससे फिर आपने इसको दोबारा से जो है वो आपने राउंड करके तो आपने इसकी जो है वो बॉल्स जो हैं वो तैयार कर लेनी है। ये जो मटेरियल है ये 10 से 12 जो गुलाब जामुन है उसको तैयार करने के लिए जो है वो काफ़ी है। अच्छा, इसके अंदर जो ऑयल है वो उस तरह होगा कि जब आपका ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ऑयल आपका गर्म हो जाए तो आपने चूल्हे की आग बंद कर देनी है और उसके बाद आपने इसमें गुलाब जामुन जो है ये बॉल्स आपने इसमें डालनी है। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं चलाना, ज़रा सा भी चम्मच आपने इसे नहीं चलाना। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप इसको ऊपर नीचे करेंगे, आप इसे हिला लें, तो आपने कपड़े से दोनों साइडों से पकड़कर आपने हल्का सा जो है वो हिला लेना है उसको, वरना आपने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना और चूल्हा भी नहीं चलाना। जब ये ऊपर आ जाएँ उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर चम्मच चलाना है। मैं एक दफ़ा दोबारा सारा प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ कि जब आपने इसके अंदर ऑयल आपने रखा, आपने गर्म ऑयल गर्म कर लिया, उसके बाद आपने इसके अंदर चूल्हा बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसके अंदर बॉल्स डालनी है, और बॉल्स डालने के बाद जब आपकी बॉल्स ऊपर आ जाए तो आपने जो है वो इसको जो है दोबारा से इसका चूल्हा जलाना और इसे हल्की सी आग के ऊपर जो है वो आपने इसे फ्राई कर लेना है, और कलर आपने देख लेना है, आपका जो भी रिक्वायर्ड कलर है वो आ जाए तो उसके ऊपर जो है वो आपने ये बॉल्स जो हैं वो आपने शीरे के अंदर डाल देनी है। अच्छा, यहाँ मेरे साथ थोड़ा सा मिसहैप ये हो गया था कि मेरा शीरा जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो मैंने इसलिए बॉल्स अपनी जो हैं वो शीरे में डालने की बजाय जो गुलाब जामुन की जो फ्राई हुई हुई बॉल्स थी उसे बाउल में निकाल के तो उसके ऊपर जो है ना वो मैंने शीरा जो है वो डाल दिया था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि शीरे के अंदर उस वक्त जो है ना वो शीरा जब शीरे में आपने डालनी है ना तो आपने चूल्हा नहीं जलाना, तो इसलिए फिर मैंने ये किया था कि मैंने इसे बाउल में निकाल कर तो इसके ऊपर से जो है वो मैंने इसका जो शीरा जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया था। आप देखें इसको मैंने शीरे में नहीं डाला, इसके ऊपर जो है वो मैंने, ताकि ये टूटे ना। अगर इस तरह चूल्हे के ऊपर शीरे की नीचे आग चल रही होगी तो आप उसमें गुलाब जामुन डालेंगे तो ये फट जाएंगी, तो इसलिए आप, क्योंकि उस टाइम मेरे पास शीरे का थोड़ा सा टेम्परेचर ज़रा गड़बड़ हो गया था तो मैंने इसे बाउल के अंदर निकाल के तो उसके ऊपर जो है वो मैंने शीरा डाल दिया था, तो गुलाब जामुनों ने बड़े अच्छे से जो है वो सारा जो लिक्विड था जो शीरा था वो एब्जॉर्ब कर लिया था। सो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये आपकी सिंपल सी जो है वो रेसिपी है। बाकी डिटेल की जितनी भी डिस्क्रिप्शन है और जो क्वांटिटी है इसके इंग्रेडिएंट्स की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।